गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर 12th है, 12th चैप्टर है हमारे पास एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये आपने 7th क्लास में भी किया है, तो हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास जो है बिल्कुल जैसे हमने 7th में किया था सेम वैसे उस टाइप के ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस। एक्सरसाइज 12.1 में जैसे इवेलुएट करना है आपने इसको 3 raised to power -2, आपको पता है पावर माइनस में है न्यूमरेटर के अंदर, इसको डिनोमिनेटर पर लेके जा सकते हैं। कैसे देखो, जैसे इवेलुएट करेंगे 3 raised to power -2, माइनस की पावर है न्यूमरेटर की, इसको हम 1/3 raised to power 2 ले सकते हैं, इसको माइनस की पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं लेकिन 1 upon करके, और 3 3 9, 1/9 आंसर आ गया। सेम यहाँ पर सेकंड पार्ट है, जैसे -1 -4 raised to power -2, तो माइनस से पावर माइनस टू है तो 1/-4 raised to power 2, ये साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये तो सिर्फ 4 के साथ है, तो 4 4 16, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। सेम हमारे पास 1/2 raised to power -5 है, तो इसको 1/2 raised to power +5, क्योंकि -1/2 की पावर माइनस में है तो यहाँ पर 1/2 की पावर प्लस में हो जाएगी, तो 1/2 की पावर 5 तो 1 की भी पावर 5 है, तो 2 की भी पावर 5 है, तो 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 5 जो 32 बन जाएगा हमारे पास, 2 into 2 into 2 करेंगे 5 times, और 1/1/32 है तो ये हमारे पास 1/32 उल्टा हो जाता है यहाँ पर ऐसे, ये तो 32/1 बनेगा, तो ये कट जाते हैं तो 32 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगला है हमारे पास सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन एंड विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हमने इसको पावर फॉर्म में, सिंगल पावर फॉर्म में नोट करना है, जैसे -4 raised to power 5 डिवाइडेड बाय द -4 raised to power 8, मैंने इसको सिंपली नोट किया। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ये आपको पता है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं हमारे पास, जब भी डिवाइड का साइन होता है बीच में तो पावर माइनस होते हैं, तो माइनस बेस सेम रहेगा, अगर बेस सेम होता है तब -4 raised to power 5 -8, तो माइनस है तो -8 + 5 तो -3 बनेगा, तो सेम -4 raised to power -3 है तो पावर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, -4 1/-4 raised to power 3। इसको आपने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन को हमने पावर नोटेशन में देना है, पावर फॉर्म में ही देना है। नेक्स्ट हमारे पास 1/2 raised to power 3/2 एंड इसको क्या बनेगा, 1 की भी पावर 2 है और 2 raised to power 3 की भी पावर 2 है, 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा, 2 raised to power 3 की पावर 2 तो क्या बन जाएगा, 2 raised to power 6, 2 raised to power 6। नेक्स्ट हमारे पास है, क्योंकि पावर की अगर पावर होते हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं, 2 raised to power 3 की पावर 2 है तो 3 2 6, ऐसे -3 raised to power 4 एंड 5/3 raised to power 4, इट मीन्स -3 raised to power 4 एंड 5 raised to power 4 एंड 3 raised to power 4, जो रैशनल नंबर होता है उसकी अलग अलग पावर हो जाती है, और 3 की पावर 4 नेगेटिव भी है तब भी हमारे पास, क्योंकि पावर इवन नंबर है तो प्लस का ही बनेगा, ये भी प्लस का बनेगा, कट जाएंगे तो 5 raised to power 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास 4th पार्ट है, 3 raised to power -7 डिवाइडेड बाई 3 raised to power -10 इंटू 3 raised to power -5, 3 raised to power -7 डिवाइड है, बेस सेम है तो डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, इट मीन्स -7 में से -10 को माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 raised to power -7 एंड -3 raised to power -10, माइनस माइनस प्लस, प्लस के नंबर हो जाएंगे बड़े तो 10 में से 3 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर ये एज इट इज़ आएगा। फिर दोबारा से बेस सेम है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, आपको पता ही है 3 + -5 तो -2 बन जाएगा, 3 raised to power -2 और इसको माइनस पावर 2 में है तो नीचे प्लस की हो जाती है हमारे पास ये, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, ये आपने खुद सॉल्व करके देखना, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू निकालनी है, अब वैल्यू देखो ईजी होता है निकालना, कैसे, 3 raised to power 0 + 4 raised to power -1 × 2 raised to power 2, जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे 3 raised to power 0 इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, अब 4 raised to power -1 है तो 1/4, और 2 2 4, अब 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 × 4 एंड 1/4 × 4, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और 4 1 4 एंड 1 यहाँ पर आएगा 4 + 1 5। सेम सेकंड पार्ट, 2 raised to power -1 4 raised to power -1 को माइनस पावर में है तो प्लस में लिखेंगे, 1/2 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 raised to power -2 है तो ये प्लस में हो जाएगी पावर नीचे आ गई, 4 2 8 और 2 2 4, यहाँ पर 1/4, 1/8 को 1/4 से डिवाइड करोगे तो जब भी डिवाइड का साइन है तो उसको रैशनल नंबर में है तो ये रैशनल नंबर 1/4 को 4/1 बन जाएगा और डिवाइड का साइन जो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 4 2 8 या 1/2 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही आपने इसका थर्ड पार्ट करना है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रखा है, आपने खुद करके देखना है इसको।
और ये हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट है इसका, ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है, आपने खुद भी करना है। जैसे ये तो पूरा नंबर एक ही आंसर आ जाए तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे 1/3, 1/4, 1/5 सारे नंबर की पावर जीरो है। अभी मैंने बताया कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर उसकी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है। ये फिफ्थ पार्ट है, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4, और माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा, और इसको आपने रेसिप्रोकल करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे इसको इवेल्युएट, देखो इवेल्युएट में 8 रेज टू पावर -1, 5 रेज टू पावर 3 और 2 रेज टू पावर -4। अब माइनस पावर है, माइनस वन है तो 1/8, 5 3 एज इट इज़, और 2 रेज टू पावर -4 है तो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 4 प्लस की हो जाएगी। 2 रेज टू पावर 4 को सॉल्व करेंगे, 2 2 4 4 2 8, 8 2 16, 5 रेज टू पावर 3 को आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाता है, तो 8 2 16, 125 2 250 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपने इसका सेकंड पार्ट करना है, 5 रेज टू पावर -1, 2 रेज टू पावर -1, 6 रेज टू पावर -1 को 1/5, 1/2, 1/6 बना के पावर माइनस में है, इनको 5 2 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/60 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द एम अ फोर विच 5 रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर -3 इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5। अब देखो बेस सेम है, 5 5 है दोनों में, और डिवाइड का साइन है। जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इट मीन्स 5 रेज टू पावर m -3। ठीक है, और यहाँ 5 रेज टू पावर एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर ये, और m प्लस 3। देखो बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल होती है, इट मीन्स m प्लस 3 जो है 5 के इक्वल आ जाएगा। जब 5 5 के इक्वल है तो m प्लस 3 भी हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा, पावर भी इक्वल हो जाती है, तो 3 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो m की वैल्यू 2 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में इवेलुएट करना है इसको भी, जैसे 1/3 की पावर -1, -1/4 की पावर -1 है और -1। सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 1/3 का क्या बन जाएगा, 3/1 प्लस की पावर हो जाएगी, 1/4 का 4/1 प्लस की पावर हो जाएगी, 3 -4 क्या बन जाएगा, -1, -1 की पावर -1, तो यहाँ पर -1 की पावर प्लस हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 ही आ जाएगा इसका भी। ऐसे नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है, 7/8 रेज टू पावर -7, 8/5 रेज टू पावर -4। माइनस है तो 5/8 का क्या बन जाएगा, 1/ में बनेगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट स्टेप में करेंगे, 5/8 का 8/5 बना देते हैं, और पावर माइनस है तो प्लस की चेंज करेंगे। ऐसे यहाँ 8/5 का 5/8 बना दिया और माइनस की पावर को प्लस में चेंज कर दिया, ये इनको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसकी पावर को 8 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर 4, 8 रेज टू पावर 4। अब देखो इनको जब डिवाइड करेंगे 8 रेज टू पावर 7 को 8 रेज टू पावर 4 से, तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 7 -4, ऐसे 5 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 7, यहाँ कितना आ जाएगा, -7, 4 -7 तो -3, माइनस किया तो इसको नीचे लेके आ जाओ दोबारा से, तो ये हमारे पास 8 की पावर 3 को सॉल्व किया और 5 रेज टू पावर 3 को सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई करना है आपने इसको, सिंप्लीफाई 25t रेज टू पावर -4, 5 रेज टू पावर -3, 10 × t रेज टू पावर -8। सेम नंबर है, जब 25 है तो 5 रेज टू पावर 2 बना दिया इसका, t रेज टू पावर -4, और ये माइनस का है तो नीचे आ जाता है, माइनस का 8 पावर है तो ऊपर चली गई प्लस में, ये 5 रेज टू पावर -3 नेगेटिव है तो ऊपर प्लस में चली गई है ये। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3 को, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 5 बन जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 को मैंने 5 × 2 में चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो t रेज टू पावर 4 है और 2 है हमारे पास, तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 5 रेज टू पावर 5 एंड 5, तो 5 रेज टू पावर 5 -1, इट मीन्स 5 रेज टू पावर 4। यहाँ पर t की पावर 8 है तो t की पावर 4 है, तो t की पावर 8 -4, तो t की पावर 4 बन जाएगा, 2 एज इट इज़ आएगा। इसको सॉल्व कर लिया है, ये एज इट इज़ आ गया, तो 2 हमारे पास आंसर आ चुका है। और सेकंड पार्ट आपने खुद समझना है अच्छी तरह ध्यान से, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ये कैसे किया है आपने खुद समझना है और कॉपी पर ट्राई करना है इसको। आई होप कि आप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे ये, और आपने जो इनकी PDF बना के आपने मेरे पास जो है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है, और वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू बेटा।